नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मास्टर चाबी से 10 मिनट में गाड़ी पार, चोर ने पहले रेखी की बालों पर हाथ फेरा फिर स्कूटी लेकर भागा। रायपुर में एक चोर ने मास्टर चाबी से महज 10 मिनट के अंदर एक स्कूटी पार कर दिया। ये घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पहले उसने रेकी की, फिर मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की है। ये पूरा मामला मंगलवार का है। पीड़ित गजेंद्र मंडावी ने बताया कि वो प्रोफेसर कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है। उसका खुद का बिजनेस है। 6 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे के करीब वे अपनी एक्टिवा से सब्जी लेकर घर पहुंचा, गाड़ी को लॉक कर घर के अंदर चला गया। जब वे वापस बाहर निकला, स्कूटी गायब मिली। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर। इस घटना के संबंध में पुरानी बस्ती पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल करने के बाद एफआईआर दर्ज किया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चोर का चेहरा साफ नजर आ रहा है। चोर ने बड़ी चालाकी से घर के सामने टहलकर रेकी की। चोर बीच बीच में घर के करीब आता, फिर हलचल होते ही आगे बढ़ जाता। पुरानी बस्ती पुलिस इस मामले में चोर की तलाश कर रही है। 10 मिनट में किया वारदात। इस दौरान चोर ने अपने बालों पर भी हाथ फेरे, जिसके आसपास किसी को कोई शक न हो। फिर उसने गाड़ी में आसानी से एक चाबी लगाई और 10 मिनट के भीतर स्कूटी लेकर फरार हो गया। अब पुलिस चोर की तलाश कर रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।